सो हे गाइज, वेलकम बैक टू न्यू एंड टोटल विथ व्लॉग. सो आई हैव डिसाइडेड, मैंने सर डिसाइड किया है कि अभी आज से मैं हर रोज रात को मेरा व्लॉग शुरू करूँगी एंड टिल द नेक्स्ट नाइट और नेक्स्ट इवनिंग मोस्ट प्रोबेबली. एंड नाउ यू विल बी एबल टू सी माई डेली व्लॉग्स एंड होपफुली आई विल कम्प्लीट माई 1000 सब्सक्राइबर्स वेरी सून. येस, एंड इथे मी माझ्या बोपळूला म्हणजे मांडीवर घेऊन झोपलोय. सी तो बेसिकली आज हमारे मॉम डैड जो है वो घर से बाहर गए हैं, मतलब महाबलेश्वर घूमने के लिए गए हैं वो, और हम सब बच्चे लोग ही घर पे हैं. सो अभी मैं इसको लेके बैठी हूँ ताकि इसको, मतलब इसको वो छोटे बच्चों जैसा है, बिल्कुल जैसे छोटे बच्चों को रात को उनके फादर की मदर की याद आती, दिन भर तो वो खेल लेते घूम लेते. दैट इज़ द एग्जैक्ट सेम केस विथ वीर, और इस वजह से वो रात को बहुत लो फील करने लगता है. सो या देखो, मैं उसको ऐसा भी लेकर के बैठी हूँ, लिटरली मैं उसको सुला रही हूँ कि सो जा बच्चा सो जा रे, सो जा बच्चा सो जा रे, मेरा बबूरी सो जा रे, सो जा रे, सो जा रे. एंड आई एम रियली एंजॉयिंग दिस. सो आज का दिन बहुत ज़्यादा टायरिंग था बिकॉज आज मुझे काम था बहुत ज़्यादा ऑफिस में, उसके बाद मैं आई तो आई डिडंट डू एनीथिंग यू नो स्पेशल और इंटरेस्टिंग. मैं बस आई, खाई, सो दैट्स इट. तब से मेरा टाइम पास चालू है, विच इज़ स्टिल गोइंग ऑन. एंड आज का दिन तो वैसे बहुत इंटरेस्टिंग भी नहीं था क्योंकि यू नो काम करते समय भी मुझे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई, उसकी वजह से मुझे बहुत थोड़ा सा ऐसा लो फील हो रहा था. बट दैट इट्स ओके, मतलब ये तो होता ही रहता है सब, नॉट एवरी डे कैन नॉट बी सेम. सो या सो हे गाइज, आई हैव नाउ वोक अप. मैं उठ चुकी हूँ और उठते साथ ही मुझे ऑफिस का कुछ काम है तो अभी मैं वो करने लगी हूँ. एंड लेट मी शो यू वॉट इज़ द टाइम, करंटली इट इज़ 8:25. सो या, और इम्पॉर्टेंट है तो वो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं तैयार होकर फिर ऑफिस चली जाऊँगी. एंड आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए बिकॉज दिस इज द न्यू एक्सपेरिमेंट आई एम ट्राइंग, एंड बिकॉज आई एम ट्राइंग दिस आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू गाइज विल सब्सक्राइब. पता नहीं मैं हिंदी से इंग्लिश में कैसे चली जाती हूँ, मे बी आई हैव गॉट इनफ ऑफ कॉन्फिडेंस अबाउट इंग्लिश. लेकिन छोड़ो, अभी मैं फोकस करूँगी कि मुझे हिंदी ही बोलनी है. और दिखा दूँ हमारे घर में भी क्या हाल चाल है. विरेश, विरेश उठ चुका है, मम्मी पापा तो घूमने गए, वो भी आए नहीं है. विरेश, विरेश, विरेश ने आज स्कैम किया है. उसने क्या किया है, पहले मेरे भाई के साथ चला गया हकीमुती करने के लिए और फिर से इसको भी लेके गया है ना, तेरे को लेके गया था ना वो. हाँ, कारे वीर, वीर बेशिस्त बाबू. गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबूडी, आग बजी चिंकू, गुड मॉर्निंग चिकडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाँ गुड मॉर्निंग. ओ घुमजू बाबू, गुड मॉर्निंग. उसके साथ ऐसे एकदम एक्साइटेड होके बात करते ना तो वो भी एक्साइटेड हो जाता है, तो मैं उसके साथ वैसे ही बात करती हूँ. बाबू, बाबू खेला माझ्या रूम मध्ये, बाबू देखो देखो, इसको मैं प्रूफ अभी दिखा रही हूँ कि मैं बाहर आई नहीं, इसको बस पता चलना चाहिए कि दीदी बाहर आ गई. चलो अभी उसका खजाना लेते हैं. इसने मेरा चश्मा भी ऐसे ही तोड़ा है, देखो यू कैन सी ही हैज ब्रोकन इट. और उसको बहुत मेरे रूम में इंटरेस्ट रहता है. आता कहाँ ओरडतो है, कहाँ ओरडतो है आता, चल
अभी मैं इधर आ गई तो उसको डिस्टर्ब हो रहा था, अभी रोने लगा कि जा तू माला ये तो खेलना ही तो ही क्या इसको मजा आता है पता नहीं। अभी मैं वीर की मालिश कर रही हूँ, उसको मेरे साथ बैठना था सोना था इसलिए वो इधर आया है, लेकिन बच्ची मैं उठ गई हूँ अभी। अभी मेरे को कहाँ है मेरी बच्ची? ए बच्चू, ए बच्चू बाबू बोल रहे, चुपचाप से पैर दबा, देखो इसके से पैर दबाती हूँ मैं। जो गाइस मैं आज पूरी मल के टास्कर बनी हुई हूँ। यहाँ पे मेरे ओट्स रेडी है, यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ, और यहाँ पे मेरा केक जो है वो बेक हो रहा है, ओट्स केक। लेट्स सी वो अभी कैसा बनता है, लेकिन सबसे पहले मैं ये सब्जी ख़त्म करती हूँ। सो है गाइस, मोमेंट ऑफ ट्रुथ इज हियर, और देखते हैं मेरे ओट्स के केक का क्या हुआ है। ओ माई गॉड, अच्छा गावत। गाइस मेरा केक देखो, गाइस मेरा केक देखो, पूरी तरह से पक चुका है, और ये एकदम अच्छे से, मतलब इसकी कोई साइड भी स्टिक नहीं हुए, यू कैन सी। अब ये बिल्कुल आसानी से निकल के आ जाएगा बाहर, देखो गाइस, वाओ। और बहुत मस्त स्पॉन्जी बना है, ये देखिए, मतलब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैंने सिर्फ बर्तन टेढ़ा किया और केक निकल के आ गए। बाबू केक ही बक, बाजी केक ही बक, बाबू केक ही बक। Guys, just look at this cake, yaar. I mean, what is this? Finally, हम इस केक को टेस्ट करते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे टेस्ट ही है। बहुत मस्त लग रहा है, बहुत। और सबसे स्पेशल बात इस केक की ये है कि इसको मैंने गुड़ से बनाया है, लेकिन गुड़ मेल्ट होने के बाद वो मतलब बहुत टाइम लगा रहा था, तो मैंने थोड़ी सी शक्कर डाल ली। मुझे बाबू, अगर मुझे बाबू खाती का तू खाती इसका तू डर डर वीर कौन है, वीर है कौन है, इधर 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 है बाबा, कभी ब्रुनो बाबा, ब्रुनो ब्रुनो इकड़ा इकड़ा है बाबा, है बाबा। सो आई विल सी यू इन द ऑफिस गाइज। सो गाइज आई हैव रीच्ड टू माय ऑफिस, पर मैं खूब ज्यादा बिजली है, मतलब मैं पूरी तरह से बीत चुकी हूँ। सो अभी मेरा ऑफिस का जो भी शूट है वो नहीं हो सकता है, एंड आई हैव देखते क्या होता है।
गाइज इट इज़ 5:50 और मैं अभी मेरे ऑफिस के नीचे हूँ और फिर से यहाँ पे बारिश हो रही है। आई एम रियली सैड एंड टायर्ड, 6 बज लेट और मैं अभी तक यहाँ पे हूँ। आई जस्ट होप आई डोंट स्टार्ट हेटिंग दिस प्लेस। सुबह मैं आ रही थी तभी बारिश थी, अभी भी मैं जाने वाली हूँ तो बारिश है। जब तक मैं ऑफिस से नहीं निकल रही थी बारिश नहीं थी, अभी मैं ऑफिस से निकल चुकी हूँ तो बारिश फिर से चालू हो गई है और मेरे चश्मे पे भी फॉग आ चुका है। तो मुझे अभी दिख नहीं रहा है कि मैं कैमरा में क्या बोल रही हूँ, कैमरा में मैं दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ। बट एनी वेज आई हैव डिसाइडेड आई एम गोना गो बिगिंग टू होम। भिजून घरी जाणार आता मी, आता माझ्याकडे पर्याय नाही, मी नाही थांबू शकत। बाय, सी यू ॲट होम। गाइज अभी ऑफिस से आते आते मैं कुछ इस तरह दिखने लगी हूँ। शी इज़ माई सिस्टर हु इज़ शाय। उसने अभी मुझे चाय बना के दिए बिकॉज आई रियली नीड इट, क्योंकि मेरा ये जो नेक का पोर्शन है ये पूरा बहुत ज़्यादा दुख रहा है। आई डोंट नो वाई, मे बी बिकॉज मुझे आदत नहीं है कंप्यूटर के सामने से बैठने की, काम करने की, उसकी वजह से भी हो सकता है। अभी मैं एवेंजर्स 2 देख रही हूँ, एज ऑफ अल्ट्रॉन, एंड हियर आई हैव माई टी। मैं खूब थकली है, इतकी थकून सुद्धा मी एवढी सुंदर दिसली, आय कांट बिलीव्ह इट यू नो, बट या आय लुक ब्युटिफुल। सो आता मी हा माझा सकाळचा ओट्सचा केक खाणार आहे, मस्त एन्जॉय करणार आहे आणि मग तुम्हाला भेटणार आहे। उसके बाद मी आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मुझे आप बहुत पसंद हो। बाटली घेतायची, धर 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 दे 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 बच्चीडी जी पंडित का बेटा हूं, पर पूजा के बाद सो हे गाइज दिस इज अनदर मॉर्निंग, मतलब नई मॉर्निंग है। सो गुड मॉर्निंग, और यहाँ पे देखो कौन, वीरू वीरू गुड मॉर्निंग बबडी। यहाँ पे वीर है, अभी मैं उठी हूँ, नाउ आई हैव टू गेट रेडी एंड गो टू माई ऑफिस। सो या गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई जस्ट लव यू ऑल ऑफ यू। And please subscribe, and if you have subscribed आपको सिर्फ comment में जाके लिखना है कि subscribed करके, that's it, कोई ज़्यादा काम है ही नहीं। और इस वीडियो को लाइक तो आपको सबसे पहले करना है, मेरा वीडियो दिखा नहीं तो लाइक ठोक देने का, थैंक यू, ठोक दो लाइक, ठोक दो, जय महाकाल, वीर गाबरला, बाय, लव यू।